Alright, what's everybody? Welcome back to my new video. It's your boy Tej Pagare from C74. I'm Ritu from C74. So guys, आप सब कैसे? ऊपर से दुआ चाहूँगा कि आप सब ठीक रहेंगे. इसी तरह हम लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ. सो गायज, आज हम लोग जाने वाले आयरोली महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक में. सो हम लोग अभी आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि अभी झाड़ के यहाँ पर पीछे है. सो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव जी की हिस्ट्री और दिखाई जाती है, और वहाँ पे लाइब्रेरी है उनकी, काफ़ी सारे उनके बारे में नॉलेज आप यहाँ पर आकर गेन कर सकते हो, और यहाँ पे आप आकर मेडिटेशन भी कर सकते हो. सो अभी मेरे को इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं अंदर का, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ. सो चलते अभी स्मारक के अंदर, क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है. तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एंजॉय करना, और काफ़ी कुछ सीखना गाइज. बाबा साहब के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी हिस्ट्री है. तो चलते हैं अंदर और एक्सपीरियंस लेते हैं. सो बाय. अंदर आने से पहले यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है. अभी हम लोग नीचे थे, सो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है. सो गाइस देख सकते हो, जैसे कि अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है. सो काफ़ी मतलब वीडियो शूट करते ही मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मैं चुप चुप के वीडियो शूट कर रहा हूँ. बाय. सो गाइज, मेडिटेशन रूम में जाने से पहले आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है, तब जाके आपको एंट्री मिलती है. जैसे कि मेडिटेशन हॉल में वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, इसके लिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट किया नहीं है. काफ़ी पीस आउट लगा, माइंड पूरा फ्रेश हो गया है. आप भी आके विजिट करो, यहाँ पे मेडिटेशन लो, ठीक है, आपको भी फ्रेश होगा माइंड. अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी आके, ठीक है. बाबा साहब के बारे में पूरी हिस्ट्री दी है वो लाइब्रेरी में, अब चलते हैं लाइब्रेरी में. सो चलते हैं. पोजीशन ऑफ इंडिया. सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम में. काफ़ी बाबा साहब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है. सो कृपया करके यहाँ पर आपको जानकारी मतलब जाननी है, तो प्लीज़ गाइस यहाँ पर विजिट करो. जय भीम, नमो बुद्धाय. जैसे कि आप देख सकते हो कलम जो बाबा साहब ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा स्टैचू बना है, यूनिक और काफ़ी अच्छा, जो कि अपना देश आज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है जो बाबा साहब
अंबेडकर जी ने बनाया है। सो गाइज आप देख सकते हो ये बाबा साहब अंबेडकर जी की राइटिंग है। उनकी राइटिंग से ही है। देख सकते हो आप गाइस काफी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो प्लीज विजिट करो। काफी सारी जानकारी यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जी के यहाँ पर दी गई है। सो गाइस जिस किसी को भी जानकारी जाननी है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, सो कृपया करके यहाँ पर विजिट करो। ये म्यूजियम था और यहाँ पर है लाइब्रेरी। सो चलते अभी अंदर। ये सेकेंड कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि पहला कॉपी दिल्ली में है। द फर्स्ट कॉपी इन दिल्ली एंड सेकेंड कॉपी इन आयरोली। दिस इज अ सेकेंड कॉपी इन इंग्लिश। यू कैन सी इट। सत्यमेव जयते। तो जैसे कि गाइस बाबा साहब ने लिखी काफ़ी बुक्स थी यहाँ पर। सो जैसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया द बुद्धा एंड काफ़ी यूनिक यूनिक तरह के बुक्स थी। सो मैं सबके नाम आपको बता सकता नहीं। एंड वन थिंग गाइस, जिस किसी को भी बुक पढ़ने का क्रेज रहेगा तो गाइस प्लीज़ यहाँ पर विजिट करो। बाबा साहब जी ने काफ़ी यूनिक यूनिक बुक्स लिखी है और ये बुक्स पढ़कर आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा। सो बाय बाय। सो अभी हम लोग आ चुके हैं स्मारक से बाहर। सो गाइज हम लोग जब यहाँ पे स्मारक में आए तो सबसे पहले हम लोग गए मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करने के बाद काफ़ी पीस आउट और काफ़ी माइंड फ्रेश हो गया। फिर मेडिटेशन करने के बाद हम लोग गए म्यूज़ियम में, जहाँ पे बाबा साहब के बारे में पूरा हिस्ट्री दिया गया था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने क्या किया 90s में, क्या किया 1950 में, क्या किया 1920 में, क्या किया, तो जो भी उन्होंने किया जो इंडिया के लिए किया उन्होंने क्या क्या किया, तो वहाँ पे सब हिस्ट्री थी बाबा साहब की।
और उसके बाद हम लोग गए लाइब्रेरी में। सो लाइब्रेरी में बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का दिल्ली में है और सेकंड कॉपी यहाँ पे अरोली में है। सो वहाँ पे हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा, मतलब पढ़े तो नहीं, इतना नॉलेज तो नहीं, इतने तो ऊपर मतलब महान नहीं हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, पढ़ूंगा इन फ्यूचर मेरे को टाइम मिलेगा तो, पर एक दिन ज़रूर पढ़ूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, और पढ़ना चाहिए सबको और सबको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और फिर लाइब्रेरी में गए हम लोग, काफ़ी कुछ बाबा साहब के बारे में सीखने को मिला, देखने को मिला उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया। पर हम लोग ने एक चीज़ मिस कर दिया गाइस, जो कि उनका पाँच मिनट का वीडियो रहता है कि उनका एक ही बोलना था कि शिका संगठित और संघर्ष करा, मतलब पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, तो नॉलेज इज़ पावर, तो वो वीडियो में ऐसा बताया गया था। अभी मैंने इधर लोगों को पूछा, यहाँ के जो वॉचमैन और सिक्योरिटी है तो उनको पूछा कि वीडियो में क्या है कैसा है, तो अभी वापस कभी ना कभी आऊँगा, मॉम डैड के साथ आऊँगा, फैमिली के साथ आऊँगा। सो गाइज काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी मेडिटेशन करके काफ़ी माइंड फ्रेश होगा, और गाइज प्लीज़ आप लोग भी यहाँ पर विजिट करो, आप लोग को भी अच्छा लगेगा और बाबा साहब जी के बारे में आपको भी ज्ञान मतलब जानकारी चाहिए होगी तो आप प्लीज़ यहाँ पे विजिट करो, आपको उनकी पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। म्यूज़ियम काफ़ी खूबसूरत है गाइस, आप देख सकते हो जो स्मारक है यहाँ पर, जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूज है, जो कि नई मुंबई महानगर पालिका ने बनाया है। सो गाइस हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर आपको आज का वीडियो, और रही बात जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो बाबा साहब का विरोध कभी नहीं कर सकता, ये बात कभी भी याद रखना। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय।